All right. so, कल हमने किया था हमारे गांधी जी के बारे में और हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि गांधी जी वॉज इन साउथ अफ्रीका जब 1893 में इट वॉज दादा अब्दुल्ला जिन्होंने उनको बुलाया था साउथ अफ्रीका में और फिर वो वहां पे चले गए थे एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू की यस हाँ ऊपर है पर आपको मैंने कहा था कि 1915 में गांधी जी केम बैक टू इंडिया तो उनको पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि गांधी जी वॉज एक तो वो नॉन वायलेंस के खिलाफ थे पर फिर भी उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बोला गया था उन्होंने कहा था कि हमको सपोर्ट करना चाहिए ब्रिटिशर्स को इसीलिए क्यों सपोर्ट करना चाहिए उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले ठीक है डोंट वरी आएगा वर्ल्ड वॉर भी आएगा मैंने कल कहा था शायद पढ़ाने से पहले गांधी जी पे ठीक है ओके सो so गांधी जी जब आपके साउथ अफ्रीका में गए नाइटोल्डियो कि जब उनको बाहर निकाला गया स्टेशन से पीटर मार्टिन ने स्टेशन जहां से उनको बाहर निकाला गया था विच टर्न आउट टू बी योर टर्निंग पॉइंट इन महात्मा गांधीज लाइफ और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरा जो कार्य कार्यकाल तो नहीं कह सकते पूरा जो टाइम पीरियड था जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में बिताया वो उन्होंने पूरा का पूरा डेडिकेट कर दिया फोर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका एंड प्राइमरीली

नाउ गांधी जी ने तीन मेजर चीजों के ऊपर आवाज उठाई थी नंबर वन वॉर्स ये जो मैंने अभी आपको बताया इंडेंजर लेबर के खिलाफ कि इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए पहली चीज सेकेंड चीज जो गांधी जी ने की थी वो ये थी कि उन्होंने वहां पे एक आपका लॉ पास हुआ ब्रिटिश सरकार के द्वारा और उन्होंने कहा कि कोई भी कॉलोनीज क्रॉस नहीं कर सकता फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ये एक कॉलोनी है और दूसरी कॉलोनी यहां पे है और मैं यहां पर हूं ठीक है तो मैं इस कॉलोनी में जाना मुझे अलाउड नहीं था सो क्रॉसिंग ऑफ द वर नॉट अलाउड एंड दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जिसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई इसके अलावा गांधी जी ने बोला ये तो आपका ये वाला हो गया अब एक और चीज जो उनके द्वारा जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी वो ये था एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन कहने का मतलब डोंट uh, टू अभी जो मैं एग्जाम्पल दूंगी उसको सिर्फ कंपेयर करना उसको ये मत समझना कि ये जो अभी चल रहा है वो भी उस हिसाब की तरह है ठीक है जैसे आपका आधार है दैट इज़ योर आइडेंटिफिकेशन वो आपका आइडेंटिटी है दैट ऑफ इंडिया Now, उस टाइम पर भी उन्होंने एक आइडेंटिफिकेशन का एक जो था चीज इंट्रोड्यूस की और उन्होंने कहा कि आप जहां पर भी ट्रैवल करोगे दैट आइडेंटिफिकेशन हैज टू स्टे विद यू अब हम हर जगह तो आधार लेके जाते नहीं है इनिशियली जब गवर्नमेंट सॉरी गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि आपको आधार हर चीज के साथ लिंक करना है फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इट इज अगेंस्ट द राइट ऑफ प्रेवेसी ये प्रिवेसी का ब्रीच है तो आपको हर जगह आधार को लगाने की जरूरत नहीं है कि आपने सिम कार्ड लिया आपने वहां पर भी लगा दिया आपने कुछ और लिया तो आपने वहां पर भी आधार लगा दिया सिमिलरली उस टाइम पर भी उन्होंने बोला कि आप जहां पर भी जाओगे आपको अपना आइडेंटिफिकेशन साथ लेकर जाना है व्हिच वाज अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ द पीपल लिविंग ओवर देयर उन्होंने बोला कि ये तो गलत बात है अब हम हर जगह थोड़ी ना अपना आइडेंटिफिकेशन लेके जाएंगे बट द टर्निंग पॉइंट या वो एक सत्याग्रह या वो एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसने पूरी की पूरी ब्रिटिश सरकार को हिला दिया कॉलोनी को हिला दिया वो था नलिफिकेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस अब नलिफिकेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस जाने से पहले गांधी जी ने ये सब हरकतें की सॉरी हरकतें नहीं ये सब चीजें की कैसे थी उन्होंने की थी दो चीजों के तरफ तरह से दैट इज नंबर वन नॉन कॉरपोरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हथियार बनाकर कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो बोलते थे कि आप नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कहा था तो वो इंडिया में नहीं वो साउथ अफ्रीका में था अगर आपको पेपर में पूछा जाए एक्सप्लिटली uh, कि इंडिया में कहा था फिर हम आगे करेंगे जो भी आपका सिविल डिसोबीडियंस चंपारण में खेडा सत्यग्रह सब हम आगे करेंगे बट फर्स्ट सिविल एंड नॉन मूवमेंट्स वर एट साउथ अफ्रीका बाय महात्मा गांधी नाउ अब आता है वो बॉल जिसपे गांधी जी ने मारा छक्का वो था नलिफिकेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस ये इतनी तारी लटक रही है ना यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ मुंह के पल गिर गई तो आप लोग हंसना नहीं ठीक है ये सब आपके लिए है ठीक है एक बारी ही मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और मुझे करंट भी लगी हुई है ओहो वो मत याद दिलाओ बस टूटी नहीं गर्दन बाकी ठीक है ओके लेट्स गेट बैक नाउ व्हाट वाज नलिफिकेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस इन्होंने बोला कि सुनिए अब इन्होंने बोला कि वो जो मैरिजेस हैं देखो साथ फेरे लेना इंडिया में मैरिज माना जाता है वहां मैरिज नहीं माना जाता इन्होंने बोला कि जो मैरिजेस रजिस्टर्ड नहीं है उन मैरिजेस को हम यहां पर मान्यता नहीं देंगे मतलब अंडर लॉ हम उनको कोई भी रिकोगशन नहीं देंगे उन मैरिजेस को नाउ, वो भी ठीक है कि चलो ठीक है उन्होंने मैरिजेस को नलिफाई कर दिया लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब उन्होंने कहा कि उन कपल्स के जो बच्चे हैं वो क्या है नाजायज़ जायज हैं विच वॉज अटैक ऑन द डिग्निटी ऑफ द वुमेन और ये पहला ऐसा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था बाय गांधी जी जब औरतों ने अपना पर्दा छोड़ के दे ऑल केम ऑन द स्ट्रीट्स नाउ आई से पर्दा आई डोंट मीन कि उन्होंने दुपट्टा उड़ा था और ऐसे चुनरी उड़ा दी when i say पर्दा तो i mean कि पहले वुमेन जो है वो चार दीवारी के अंदर कंफाइंड थी कि जो भी आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स हो रहे थे प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको सपोर्ट करती थी लेकिन चार दीवारी के अंदर लेकिन जब उनके रिस्पेक्ट के ऊपर उनकी डिग्निटी के ऊपर उंगली उठाई गई तो वो सब औरतें जो थी अपना घर छोड़कर बाहर आ गई और उन्होंने स्ट्रीट्स पे चल के प्रोटेस्ट करना शुरू किया और इन सब चीजों की वजह से ब्रिटिश सरकार फोर्स हो गई गांधी जी की सारी बातें मानने के लिए हाउ एवर से 13 के बीच में 1912, 1913 के बीच में साउथ अफ्रीका में भी डेमोक्रेसी आ चुकी थी सो दिस वॉज ऑल्सो अ पॉइंट बट गांधी जी के द्वारा भी वहां पर ये सब चीजें तो चली हैं उसमें भी गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है नाउ तो ये चीजें आपको समझ आ गई और इसी के साथ आई टोल्डियोटोलू की आपका जब आप किसी के रंग आप किसी की आंखें आप किसी के बाल किसी के फिनोटिपिक दैट इज योर फिजिकल अपेयरेंस के ऊपर उसके ऊपर टिप्पणी करें कि ये अंग्रेज जैसे कि देखो अंग्रेज वाइट Blacks. ये क्या है ये कोई नेशनैलिटी थोड़ी ना है ये क्या ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड बाय लॉ वो इीगल है आप ऐसा नहीं कर सकते ठीक है एंड इट इज पनिशेबल ऑल्सो तो वो सब जो रेशियल चीजें थी वो उनके खिलाफ भी गांधी जी ने आवाज उठाई नाउ जब हमें अपार्थीट की बात करती हूँ एक और बहुत बड़ा नाम जो अपार के साथ जुड़ा है इन साउथ अफ्रीका इज नेल्सन मंडेला याद रखिएगा नेल्सन मंडेला इज नोन एज ब्लैक गांधी ठीक है सो नेल्सन मंडेला को ब्लैक गांधी कहा जाता है हमारे गांधी जी को वाइट नेल्सन मंडेला नहीं कहा जाता सो so, आप यहां से समझ सकते हैं कि गांधी जी वाज वन ऑफ द पाइनियर्स जिन्होंने अपार्थीड के खिलाफ आवाज उठाई थी क्लियर नाउ अब गांधी जी का ये तो है नहीं गांधी जी ने आवाज उठाई और चल गई शुरू हो गए सकते अब गांधी जी के द्वारा भी कुछ चीजें की गई होंगी याद रखिएगा गांधी जी ने स्टार्ट किया था टोल स्टॉय फार्म क्या किया था लिख लो इसको टोल स्टॉय फार्म वॉ स्टार्टेड बाय गांधी जी टोल स्टॉय फार्म वो स्टार्टेड बाय गांधी जी अफ्रीका में सब अफ्रीका में हो रहा अभी गांधी जी अभी आए नहीं है इंडिया ठीक है सो टोल स्टॉय फार्म वो स्टार्टेड बाय गांधी जी ये ये क्या फार्म था बेसिकली उन लोगों का फार्म था जो बहुत तंग हो चुके थे ब्रिटिशर्स के कॉलोनी में रह रहे थे तंग हो चुके थे तो उनके ऊपर बहुत सारी हार्डशिप्स हो रही थी जिसके चलते गांधी जी ने एक फार्म बनाया जहां पे ये सब आके इकट्ठे रहते थे सो नंबर वन पॉइंट इज हुई फॉर्म इट इज योर महात्मा गांधी ओके एक और चीज इसी के ही साथ गांधी जी ने स्टार्ट किया था आपका एक न्यूज पेपर नोन एज इंडियन ओपिनियन लिखिए गांधी जी स्टार्टेड न्यूज पेपर इंडियन ओपिनियन ओपिनियन एन ओपिनियन ठीक है न्यूज पेपर दैट इज इंडियन ओपिनियन सो वन पॉइंट इज टोल्स टॉय फॉर्म नंबर सेकेंड पॉइंट इज योर इंडियन ओपिनियन नंबर थर्ड पॉइंट लिखिए गांधी जी स्टार्टेड स्टार्टेडिक्स सेटलमेंट पीनिक्स सेटलमेंट फीनिक्स सेटलमेंट लिख लिया आपने

इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मेजर रह चुका है आपके साउथ अफ्रीका में ठीक है सो फिनिक्स सेटलमेंट क्यों था क्योंकि ये एक प्रेस था आपका इंडियन ओपिनियन और वहां पे जो लोग काम करते थे वो रहते थे आपके फिनिक्स सेटलमेंट थे इसी के ही साथ देखिए नेक्स्ट पॉइंट गांधी जी गांधी जी फॉर्म गांधी जी फॉर्म नेटल इंडियन कांग्रेस गांधी जी फॉर्म नेटल इंडियन कांग्रेस ठीक है सो गांधी जी ने क्या शुरू किया आपका नेटल इंडियन कांग्रेस भी गांधी जी ने शुरू किया था वन अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज जो आपका टोल स्टॉय फार्म था ना उसकी स्थापना करने के लिए उसको बनाने के लिए उस टाइम पर एक ऐसे आदमी जो बहुत ही अमीर है ही वेरी ग्राउंडेड और उनका जो योगदान है फॉर इंडियन पीपल वो बहुत ज्यादा है देखो ये होती है इज्जत कि जैसे ही नाम लिया रतन टाटा मुंह से निकला बिल्कुल सही रतन टाटा अब ये मैं सोचता आज वाले ठीक है उनके दादाजी उनका नाम भी रतन टाटा था सो उनके दादाजी रतन टाटा उन्होंने पच्चीस हजार रुपए उस टाइम पे दिए थे उनको टोल स्टॉय फार्म बनाने के लिए ठीक है पच्चीस uh, हजार ये पेपर में नहीं आएगा ये बस इंटरेस्टिंग जो मैं आपको बता रही हूं। लिख लो 25 इस कोई बात नहीं, नहीं। तो okay. बना आपका उन्नीस सौ दस ठीक है ओके सो टोल फार्म बना दिया हाँ एक पॉइंट जो आपको लिखना है टोल फार्म में वो लिखिए लिखो वहां पे He was helped. Who is he? Gandhi Ji. So Gandhi Ji was helped by. Gandhi Ji was helped by. By his German friend. Was helped by his German friend. Hitler, kahase agya. What was his Kellenbeck. <laughs> हिटलर, ठीक है हरमन केलनबेक के ए एल एल एन बी सी एच केलन ठीक है सो वॉज ही जर्मन फ्रेंड ऑफ गांधी जी और उन्होंने इनको हेल्प किया था टोल फार्म बनाने के लिए सो so गांधी जी के द्वारा नंबर ऑफ चीजें की गई आपको बस इतना याद देखो अब जब नेटल आएगा बिकॉज आई टोल्ड यू कि वहां पे आपका किस तरीके से साउथ अफ्रीका में काम हो रहा था

ठीक है अब गांधी जी कोई 1914 में 1914 निकल गए ठीक है मतलब आ, ज, इंडिया मैं कहती थी जम्मू आने के लिए निकल गए मतलब इंडिया आने के लिए निकल गए नाउ इंडिया आने से पहले कुछ चीजें हम पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में नंबर वन पॉइंट इज कि हु वाज़ द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी लिख लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले इज लिखा है ओके okay. So, लिखा है तो अब सुन लो तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे इनके पॉलिटिकल गुरु थे जब तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे ना 1911 तक गांधी जी नहीं मिले थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले से वो उनको पत्र लिखा करते थे और वहीं से गोपाल कृष्ण गोखले उनको यू नो एडवाइस किया करते थे और इसी दिस हाउ मतलब पेन फ्रेंड्स होते हैं ना जो आप राइटिंग uh, के द्वारा दोस्त बनते हैं तो उसी तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले एंड महात्मा गांधी वर फ्रेंड्स और महात्मा गांधी इनको रिगार्ड करते थे और इनको एज अ पोलिटिकल गुरु मानते थे अब 1911 की बात है 1911 का रेलिवेंस हमारे इंडिया के साथ भी है पर हम थोड़ा साउथ अफ्रीका के बारे में अभी पढ़ रहे हैं 1911 में आपका जो किंग था वो बना जॉर्ज फाइव कौन बना जी जॉर्ज फाइव आपका किंग बना और जब जॉर्ज फाइव आपका किंग बना तो उसने हर एक कॉलोनी में जाना शुरू कर दिया और वहां पे मतलब सबको बताना कि आई एम द न्यू किंग और मतलब जो भी देखता कि मेरे कैसे काम कर रही है और जिस तरीके से राजा करता है उसने भी वैसा करना शुरू किया और वहां पर जो आपके ये जॉर्ज फाइव है वो आपके साउथ अफ्रीका भी गए थे उनसे मिलने के लिए उस टाइप पे गोपाल कृष्ण गोखले भी जो है वो साउथ अफ्रीका पहुंच गए और वहां पर गांधी जी को वो फर्स्ट टाइम मिले थे ठीक है पोरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सत्याग्रह करते करते गांधी जी ने फतेह हासिल कर ली और फिर जब आपके बारह तेरह के बीच जब साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक बन गया उसके बाद गांधी जी ऑल्सो केम बैक टू तो इंडिया सो so, गांधी जी लेफ्ट साउथ अफ्रीका इन उन्नीस सौ चौदह एंड रीच इंडिया नो जनवरी उन्नीस सौ पंद्रह डेट याद रख तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी पहुंच गए इंडिया अब आप ये मत सोचिएगा कि गांधी जी को एक साल लग गया जी नहीं गांधी जी दिसंबर के महीने में निकले थे और जनवरी के महीने में यहां पे पहुंचे थे ठीक है सो नो जनवरी उन्नीस सौ ठीक है पैदल क्यों आएंगे यार पैदल अभी डांडी मार्च में जाएंगे ठीक है ओके सो okay. नो so, जनवरी 1915 को गांधी जी रीच इंडिया अब जैसे आपने भी कुछ डेट्स याद रखी होंगी अपने दिल में उस इस डेट को भी चिपका लो अपने दिल में क्यों चिपका लो इसको अपने दिल में क्योंकि इस दिन को हम हर साल एन, एन ये अंग्रेज नहीं बनना ठीक है प्रवासी दिवस मनाते हैं ठीक है प्रवासी दिवस के साथ हम इसको हर साल सेलिब्रेट करते हैं इसलिए 9 जनवरी 1915 को याद रखना है right. ही लोग, लोग होते हैं जो इंडिया को बिलोंग करते हैं बट बिकॉज ऑफ वर्क एंड अदर थिंग्स वो बाहर की कंट्री में रिजाइड कर रहे होते हैं दिस वर्ड प्रवासी कोविड नाइनटीन पैंडमिक के चलते हैज बीन इन न्यूज ठीक है सो कोविड पैंडेमिक के चलते प्रवासी वर्ड हैज बीन अ लॉट इन न्यूज क्योंकि योजना आई थी आपकी प्रवासी फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स वर हिट वेरी बैड विद कोविड पैंडेमिक उनके घर बार सब कुछ भी नहीं रहा बचारों के पास लेबर का, का काम करते थे लेबर भी मिलना बंद होगी सो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी प्रवासी लोगों के लिए जो है आपकी योजना निकली थी सो इसलिए प्रवासी वर्ड जो है वो फेमस रहा है लाइम में रहा है सो याद रखिएगा प्रवासी दिवस इज योर नो जनवरी उन्नीस और रेलिवेंस क्या है आई थिंक एस एस के पेपर में पूछा गया था कि प्रवासी दिवस मनाया क्यों जाता है तो मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इसी के ही साथ आपका एक और दिवस जो 2021 से हमने मनाना शुरू किया है दैट इज द पराक्रम दिवस वो हम अभी नहीं करेंगे वो आपका 1939 के आसपास करेंगे ठीक है so सो पराक्रम दिवस आगे करेंगे अभी हम प्रवासी दिवस को याद रखेंगे दैट इज एफिलिएटेड विद योर गांधी जी नाउ व्हेन गांधी जी केम बैक टू इंडिया व्हेन गांधी जी केम बैक टू इंडिया ही डिड नॉट कम नथिंग इन हिज हैंड नहीं आए थे अपने साथ दो वेपन्स को साथ लेकर आए थे कैन एनी वन ऑफ यू प्लीज रेज योर हैंड्स एंड टेल मी व्हाट वर द नेम ऑफ द टू वेपन्स नंबर वन वाज अहिंसा सॉरी नॉन दैट इज नॉन वायलेंस कि आप अहिंसा नहीं करेंगे अहिंसा करेंगे मतलब हिंसा नहीं करेंगे एंड नंबर टू थिंग वाज़

वन आईम स्टैंडिंग हेयर आई कैन सी ऑल ऑफ यू ओवर सो इफ समी ऑफ यू जो करके गप्पे मारते हैं और जो हि करके हंसते हैं इट डिस्ट्रैक्ट मी सो जब अगर कोई हंसी की बात हो रही है प्लीज हंसी बट बिना मतलब के हंसने की जरूरत नहीं है ठीक है आप क्लास कर लो अगर हंसना है तो मास्क लगा लो ऊपर ठीक है फिर हंसो ग्राहके मार के ठीक है ओके सो उन्नीस सौ पंद्रह में गांधी जी आगे जी वापस अब गांधी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे गांधी जयंती कब मनाते हैं सो सेकेंड ऑफ अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ गुजरात में दैट इज पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ और गांधी जी ने अपनी वकालत दैट इज लॉ की पढ़ाई कहाँ से की थी इंग्लैंड से की थी एंड ही वो सेंट टू साउथ अफ्रीका एज अ एज अ क्लाइंट नी एज संबड़ी जो काम करने गए थे किनके कहने पर दादा अब्दुल्ला के कहने पर गए थे और जैसे ही साउथ अफ्रीका में गए उन्होंने रियलाइज़ किया कि वहाँ पे कितना ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है एंड वॉट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जब आप किसी के फिजिकल अपेयरेंस के ऊपर टिप्पणी करना शुरू कर दें। नेक्स्ट इज ही हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ नैटल इंडियन कांग्रेस एंड टू यूनाइट इंडियन टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि हमको समझते थे अछूत ठीक है इसी के साथ आप याद रखिएगा गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया गांधी जी ने स्टार्ट किया एक न्यूज पेपर दैट इज द इंडियन ओपिनियन और उसके आगे पीछे जो सेटलमेंट थी उसको बोलते थे फिनिक्स सेटलमेंट इसी इसी के साथ गांधी जी ने आपके इंडियन माइग्रेशन आई टोल्ड यू को क्रॉस करना अलाउड नहीं

जब गांधी जी आपके यहाँ पर आए तो गांधी जी ने एक आश्रम बनाया जी हां जी क्या है आश्रम का नाम बिल्कुल सो साबरमती आश्रम बनाया आज के टाइम पे वो एक म्यूजियम है अब मुझे बताइए गांधी जी तो खुद आ, पतले थे मतलब थोड़े से तो मुझे बताइए गांधी जी को इतना बड़ा आश्रम बनाने की जरूरत क्या पड़ी हम्म क्या बोला आपने वॉलंटियर बिल्कुल वॉलंटियर्स नहीं कह सकते हाँ सही है कुछ हद तक जो फिनिक्स सेटलमेंट वाले थे ना वो भी गांधी जी को फॉलो करते करते गांधी जी के फॉलोअर्स आल्सो केम बैक टू इंडिया तो इसीलिए गांधी जी ने आश्रम बनाया जहां पे गांधी जी के जो वॉलंटियर्स थे उनके फॉलोअर्स थे उनके साथ रहना उन्होंने शुरू कर दिया जैसे ही 1915 में गांधी जी केम बैक टू इंडिया गांधी जी ने उसी टाइम पर पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लिया गांधी जी जो एक्टिव पॉलिटिक्स में उन्होंने पार्ट लिए वो 1917 से लेना लेना शुरू शुरू किया किया था किया था इसीलिए क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको बोला कि आप नए नए आए हैं इंडिया तो पहले एक राउंड मारो राउंड मतलब कि पहले देखो कि चल क्या रहा है हिंदुस्तान में और उसके बाद जो है यहाँ पे एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करना शुरू करना जिसके चलते गांधी जी के द्वारा तीन मेजर चीजें की गई दैट इज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूव वो चीजें क्या थी ठीक है ओके okay. uh, हिंदुस्तान से मुझे याद आया कल मैंने आपको गदर पार्टी के बारे में लिखा था दैट इजिफिक कोस्ट इंडियन एसोसिएशन इंडियन जहां लिखा है ना वहां हिंदुस्तान भी लिख दो ठीक है किताबों में हिंदुस्तान एसोसिएशन लिखा होता है सो आई एम श्योर आप लोग इतने समझदार है अगर पेपर में आता तो आप समझ जाते बट स्टिल आप उसको लिख दीजिए पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन मैंने इंडियन लिखवाया था उसको हिंदुस्तान कर दो ठीक है सो अगर इंडियन आए या हिंदुस्तान आए तो समझ जाना कि गदर पार्टी के बारे में बात हो रही है ठीक है चलो अब आते हैं हम गांधी जी के फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर अब सिविल मूवमेंट में क्या फर्क है और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या होती है वो हम आगे करेंगे पहले हम के बारे में पढ़ते हैं। याद रखना यहाँ पे C लिखा है सो तो गांधी, so गांधी जी के द्वारा जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इट वॉज स्टार्टेड एट चंपारण इन उन्नीस अब बेसिकली ये ये था था आपके इंडिगो प्लांटर्स की था। इंडिगो प्लांटर्स हाँ, वजह से लिखा सॉरी ये लिखा है इंडिगो प्लांटेशन अब इंडिगो प्लांटर्स कौन थे इंडिगो प्लांटर्स आ, क्या था ना अब देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड 1917 में चल क्या रहा है वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो सिंथेटिक जो उनका कलर था ना अब वो उनको मिलना बंद हो चुका है क्योंकि जिस जहां से वो सिंथेटिक डाई मंगवाते थे उ के साथ तो लड़ाई कर रहे हैं तो इसीलिए उन्होंने यहां पर प्लांटर्स को फोर्स किया कि आप भर भर के क्या लगाइए इंडिगो प्लांटेशन करना शुरू कर दीजिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया आपका तीन काथिया सिस्टम दैट इज तीन बटा बीस लैंड पर तो आपको क्या लगाना है इंडिगो का प्लांटेशन करना ही करना है और ये इंडिगो क्या था चार बूंदों वाला उजाला ये वही है ठीक है सो सिंथेटिक डाई इज योर इंडिगो नाउ इंडिगो प्लांटेशन वॉज नॉट की जब इंडिगो को हार्वेस्ट करते थे आहिस्ता आता खराब होना शुरू हो जाती थी so, जो यील्ड और प्रोडक्टिविटी इन लोगों को पहले मिल रही थी अब वो मिलना बंद होगी और वर्ल्ड वॉर भी है तो देवर ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट कि हमको तो पैसा चाहिए चाहिए अपनी जान निकालो या जो मर्जी करना है करो अब पॉइंट्स टू रिमेंबर नंबर वन इज इंडिगो प्लांटेशन नंबर सेकंड पॉइंट इज के गांधी जी के पास गया कौन ये प्रस्ताव लेके कि आइए और हमको मदद करिए दैट इज राजकुमार शुक्ला राजकुमार so, शुक्ला जो है वो गए गांधी जी के पास और उन्होंने बोला कि आप क्या करो हमारी फार्मर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करो और गांधी जी के द्वारा जो ये सिविल मूवमेंट था इट आउट टू बी अ विक्ट्री विक्ट्री गांधी फर्स्ट इन इंडिया और इनकी प्रॉब्लम जो थी उसको भी खत्म कर दिया गया और अब इंडिगो प्लांटर्स के ऊपर किसी भी तरीके का जोर जबरदस्ती नहीं होती थी सो दिस इज गांधी जी फर्स्ट विक्ट्री इन इंडिया नेक्स्ट आप नेक्स्ट इज योर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पॉइंट टू रिमेंबर आर रिमें चंपारण खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्योंकि uh, 2017 का क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से इंसिडेंट को हंड्रेड इन पूरे हुए हैं सो दैट इज योर चंपारण ठीक है मतलब so उस टाइम पे चंपारण था अब नहीं ठीक है so सो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक उन्नीस सौ अठारह में गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था अब ये बेसिकली था क्या फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज मिल स्ट्राइक मिल में वर्कर्स होते हैं तो वर्कर्स क्या करेंगे हंगर स्ट्राइक करेंगे सो दिस वाज गांधी गांधी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक स्ट्राइक बाय जी नाउ अहमदाबाद मिल के साथ ना आपके कुछ नाम बड़े जरूरी जुड़े हैं यहां दिए नहीं गए हैं आप लोग लिख लीजिए पहला आता है आपका अनुसुया बैन कौन है अनुसुया बैन बी ए आई समझ गए ना क्या? ठीक ठीक है, है? तो अब ये जो आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है ना ये बेसिकली था क्या उस टाइम पे फैला हुआ था प्लेग कहानी सुन लो फिर नहीं भूलेगा ठीक है उस टाइम पे फैला हुआ था प्लेग और इन बेचारों के ऊपर क्या था इनको ओके okay, अब प्लेग फैला हुआ था अब देखो जैसे कोविड नाइनटीन था अब उस टाइम पे बैंक ने अपनी किस्ते लेना बंद कर दी उन्होंने बोला कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं ईएमआई को खत्म करो अब इसीलिए खत्म करो क्योंकि पीपल कैन नॉट गो आउटसाइड पहली चीज अगर आपकी फैमिली में एक भी पॉजिटिव हो गया आपको भी क्वारंटीन करना है तो जब अर्निंग हैंड ही नहीं होगा तो आप कहां से पैसा देंगे सिमिलरली जब प्लेग प्लेग फैला हुआ था एक एक तो तो हो सकता एक तो आपके वर्कर्स बहुत सारे से थे उनके घरों में भी प्लेग के पेशेंट्स थे सो पीपल कुड नॉट गो टू योर मिल और वहां पे जाके काम कर सकते थे जिसके चलते वहां के जो वर्कर्स थे उन्होंने बोला कि हमको 50 पर, अच्छा 50 प्रतिशत का राइस चाहिए हमारी में किसने बोला वर्कर्स ने बोला पहली डिमांड हमारी ये है कि हमारे को 50 परसेंट का जो है इंक्रीमेंट चाहिए हमारी वेजेस में और चीज ये बोला कि हमको प्लेग बोनस भी दे दो क्योंकि हम लोग बीमार हैं हमको प्लेग बोनस भी दो और पचास से हमारी इनकम को भी बढ़ा दिया जाए ठीक है नाउ ऑल दीज पीपल वेंट टू हू दे ऑल वेंट टू महात्मा गांधी और कहा कि हमारी मदद करो गांधी जी वेंट टू अनुसुया बैंक Now, कहीं कहीं किताबों में अनुसुया सारा भाई भी लिखा होता है क्योंकि सारा भाई इनका सरनेम था बेन एक तरीके का रिस्पेक्ट है आपने देखा गुजराती लोग बेन बेन करते हैं सो so, बेन इज बेसिकली बहन को बोला जाता है सो so, बेन इज दैट रिस्पेक्टफुल थिंग बट इनका सरनेम वॉज सारा भाई ठीक है सो अनुसुया सारा भाई के पास गांधी जी जाते हैं और बोलते हैं कि आप जो है इसके इसके के लिए कुछ हमारी मदद करो अब द क्वेश्चन इज कि गांधी जी अनुसूया बहन के पास क्यों गए क्योंकि अनुसुया बेन जो थी वो बहन थी किनकी बहन थी अंबल लाल सारा भाई की एंड हुल सारा भाई अंबल लाल सारा भाई वॉज द ओनर ऑफ द अहमदाबाद मिल सो so, किन की बहन थी ये अंबललाल अंबललाल सारा भाई अंबल अंबल खट्टा वाला खाते हैं ठीक है तो, अंबल लाल सारा भाई ठीक है so, सो अम्बरलाल सारा भाई की बहन थी आपकी अनुसू बहन और वो उनके पास जाती है और फिर ऑब्वियसली गांधी जी के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था तो कैसे माफ नहीं होता अब गांधी जी ने बोला जब वर्कर्स ने बोला कि 50 प्रतिशत से इंक्रीमेंट करो बढ़ाओ हमारी पे तो गांधी जी ने बोला यार तुम भी अब थोड़ा सोचो 50 50 कहां पहुंच गए नहीं 35 उन्होंने सेट किया था टारगेट कि हम 35 परसेंट का जो है इंक्रीमेंट मांगेंगे आपकी वे जिसमें 50 प्रतिशत बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड ऑफकोर्स पीपल वर गिवन हुआ बोनस ऑल्सो सो दिस वॉज गांधी जी सेकेंड विक्ट्री और फर्स्ट विक्ट्री ओवर हंगर स्ट्राइक सो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या था आपका गांधीजीज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक और गांधीजीज फर्स्ट विक्ट्री ऑन हंगर स्ट्राइक इन इंडिया और हंगर फास्ट ये बहुत चलाए गांधीजी के द्वारा क्योंकि गांधीजी को जैसे ही कुछ लगता तो क्या करते थे फास्ट अंटिल डेथ कर लेते थे क्योंकि उनको पता था ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर गांधीजी का बाल भी बाका हुआ तो हम गए ठीक है so, सो इसीलिए गांधी जी वॉज अ वेरी बिग नेम इन इंडिया दैट टाइम ठीक है जी आ, बाल नहीं थे बट भावनाओं को समझो ठीक है ओके नेक्स्ट अब वी हैव इज गांधी जी फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट दैट इज द खेड़ा सत्य इस खेड़ा सत्यग्रह के साथ दो बड़े जरूरी नाम जुड़े हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी कौन कौन से पहले तो जी खेड़ा सत्याग्रह था क्या फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इट इज गांधी जी फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खेड़ा वॉज बेसिकली डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात जहां पे ड्रॉट आया हुआ था अब देखो आई टोल्ड यू फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ड्रॉट पेमाइन फ्लड ये बड़े कॉमन थे इंडिया में क्योंकि उस टाइम पे मिटिगेशन के लिए हमारे पास कोई भी जो है जरिया नहीं होता था अब देखो फसल खराब हो गई आपकी तो आप पैसा कहां से देंगे अब आपने देखा होगा जब आ, आ, कुछ टाइम पहले कुछ दो तीन महीने पहले ओले गिरे थे तीन चार एक ही दिन में तीन चार बार गिर गए थे तो कितना फसल खराब हो गई थी आपकी आर एसपुरा में जो राइस था ठीक है सिमिलरली उस टाइम पर भी पूरे की पूरी जो है आपकी फसल खराब हो गई थी और इन्होंने बोला कि हमको क्या चाहिए हमको आ, हमको चाहिए टैक्स में माफी अब बेसिकली था क्या अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू कोड ऑफ द गवर्नमेंट उन्होंने कहा था कि अगर रेवेन्यू कोड में क्या था ना जैसे कि अगर आपका यील्ड जो है वो बीस आता है ठीक है और अगर इस साल का यील्ड जो है वो पांच है वन बाई फोर मतलब पांच है तो आपका टैक्स माफ हो जाता था समझे तो ये था वन बाय फोर बाय फोर क्या हुआ जैसे कि अगर आप बीस रुपए कमाते हैं पर आपने इस बार सिर्फ पांच रुपए कमाए तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स देने की जरूरत नहीं है ये बोलता था आपका रेवेन्यू कोड या रेवेन्यू कोड कोड आपका कोड नहीं कोड ठीक है नाउ पे जो वर्कर्स थे उन्होंने भी बोला कि हमको इसी कोड के चलते हमको माफ करो और हम जो है आपको टैक्स वगैरह नहीं दे सकते लेकिन ब्रिटिशर्स क्योंकि ऑलरेडी बड़ी बुरी हालत थी इनकी वर्ल्ड वॉर के चलते उन्होंने बोला कि हम इस तरीके की, की माफी आपको नहीं देने वाले लेकिन गांधी जी तो गांधी जी हैं जब गांधी जी की एंट्री होती है आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन योर खेड़ा सत्यग्रह तो गांधी जी इन्होंने मांगा था कि हमको इस साल के लिए माफ कर दो मतलब दो सॉरी कौन सा जी 1918 लेकिन गांधी जी की जब एंट्री हुई तो सिर्फ एक साल नहीं तीन सालों के लिए इनका टैक्स जो था उसको माफ कर दिया गया सो so, 1918, 1919 और 1920 तीन सालों के लिए इन लोगों का टैक्स जो है वो माफ कर दिया गया अब देखो ड्रॉट आया ये थोड़ी है कि अभी ड्रॉट आया तो अगले तीन चार महीने के बाद फसल जो है लहराती खड़ी हो जाएगी ठीक है सो so, इनको टाइम दिया गया और ये किसके द्वारा था ये सब गांधी जी के इस मूवमेंट में एंट्री करने के द्वारा था पॉइंट ऐड करिए इसमें इंदुलाल याग्निक इंदुलाल याग्निक इंदुलाल याग्निक एंड वल्लभ भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल, वल्लभ भाई पटेल बिकेम एमिनेंट फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी बीकेम एमिनेंट फॉलोवर्स ऑफ गांधी जी ठीक है समझ आ गया सो so इसके बाद गांधी जी के कौन फॉलोअर्स बन गए आपके इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल भी इनके फॉलोअर्स बन गए नाउ जब हम वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करते तो क्या बोलते हैं उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल अब क्वेश्चन आता है कि उनको सरदार का टाइटल किसने दिया था <laughs> लिखिए द टाइटल ऑफ सरदार द टाइटल बिल्कुल बिल्कुल द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल वॉज गिवन बाय द वुमेन ऑफ खेड़ा सत्य ग्रह वॉज गिवन बाय द वुमेन ऑफ खेड़ा सत्य ठीक है अब इसको ब्रैकेट में लिखिए 1928 1928 so, 1928 में, में एक और सत्याग्रह हुआ था और उसको लीड करने वाले थे आपके वल्लभ भाई पटेल और फिर वहां की औरतों ने उनको सरदार का टाइटल दिया था ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है आपका हमारे गुजरात में तो वो इन्हीं के ऊपर ही है और एक हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी देख रही थी उसमें एक कॉमेडियन ने कहा था कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल अभी होते तो सिर्फ स्टैचू नहीं होता यूनिटी भी होती सो आपके जो वल्लभ भाई पटेल है उनका बहुत बड़ा योगदान है जब आपकी 565 प्रिंसली स्टेट्स को एक करना था सो ये हम पढ़ेंगे आपके आगे बट अभी के लिए सरदार वल्लभ भाई का टाइटल वॉज गिवेन बाई द वुमेन ऑफ द खेड़ा सत्यग्रह इन नाइनटीन ट्वेंटी एट नॉट उन्नीस सौ अठारह ठीक है लो इतना बड़ा मुंह खोल कर मतलब <laughs> <laughs> आप लोगों को नींद आ रही है शर्म आनी चाहिए आप लोगों को हम फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हैं और आप लोगों को नींद आ रही है ठीक है गांधी जी माफ नहीं करेंगे ठीक है ओके लेट्स कम बैक नाउ अब गई ना क्या पढ़ाना था ठीक है सो so, खेड़ा सत्य हाँ uh, क्वेश्चनेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में फर्क क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है uh, आप आप मुझे कहें कि मैम ये मुझे समझा दो बोलो ओके <laughs> <laughs> okay, क्या uh, मैम आप ही मुझे सम... चर मैंने समझाती दिस इज नॉन कॉर्पोरेशन जब आप कॉर्पोरेट करने से मना कर दो कि ना भाई मैंने समझाने वाली अब आप मुझे बोले ये समझा दो ना तो मैं समझाऊंगी एंड आई विल मेक श्योर कि कोई और भी आपको नहीं समझाए दिस इज सिविल मूवमेंट जब पूरे के पूरे जो सिविलियंस है वो डिस करना शुरू कर दे एंड यू मेक श्योर कि आपके सामने कोई भी ऐसा बंदा ना हो जो इसके खिलाफ जा सके सो so, अगर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और सिविल डिस मूवमेंट का पलरा देखे तो किसका भारी हुआ सिविल डिसओबिडियंस का पलड़ा भारी हुआ मतलब ये ज्यादा बड़े लेवल पे लॉन्च किया जाता था आपको इसकी ज्यादा समझ तब आएगी जब गांधीजी 1922 में ब्रिटिशर्स को धमकी देते हैं कि हमारी बातें मान लो वरना मैं सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दूंगा ठीक है सो तब की बातें तब अभी इतना याद रखो कि सिविल डिसओबिडियंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या फर्क था ठीक है जी Now before getting on to the Rawat Act, we need to learn about 1914 and 1918. That is your first World War. So 1914 से लेके 18 तक आपका first World War रहा या 1919 लिखा हुए, but it is 1918. ठीक है? 1918. ठीक है? Now basically था क्या? अब आपका World War कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई नहीं हो रही थी यहाँ पे एक्सिस पावर एंड योर एलाइं पावर्स के बीच में लड़ाई हो चुकी थी अब जैसे ही ये वॉर शुरू होती है ब्रिटिशर्स वर फोर्स्ट ब्रिटिशर्स को लगा कि भैया हमको इंडियंस को भी जो है, help, uh, help जो है हमको मांगनी पड़ेगी नाउ गांधी जी वॉज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने कहा था कि हमको ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना चाहिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अब ये समझने के लिए हम थोड़ा सा बोयर वॉर की तरफ जाते हैं जब आपका सेकंड बोयर वॉर हुआ था उस टाइम पे गांधी जी ने भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था सपोर्ट करने का मतलब यह था कि गांधी जी को लगा कि अगर हम इनको बोयर्स की वॉर के अगेंस्ट सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि इनका जो हमारी तरफ जो व्यवहार है वो नरम हो जाए और ये हमारी बातें भी सुनने पर मजबूर हो जाए और यही जो ऑब्वियसली टर्न आउट टू बी ए कैमोफ्लाज फॉर गांधी जी और फिर गांधी जी ने जो है अपने ही दम पर जो है सत्याग्रह वहां पर किया था सिमिलरली यहां पर भी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो यहां पर इंडियंस ने भी सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को क्यूं? क्यों क्योंकि उनको लगा कि शायद अगर हम सपोर्ट करेंगे तो इनका जो व्यवहार है हमारी तरफ क्या हो जाएगा नरम पड़ जाएगा सो so, हमारी तरफ से पूरा का पूरा योगदान दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में याद रखिएगा गांधी जी जो अहिंसा को सपोर्ट करते थे किसी भी तरीके का नॉन वायलेंस जो है बर्दाश्त नहीं करते थे गांधी जी ने खुद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की रिक्रूटमेंट की थी ठीक है सो कहा की थी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गांधी जी ने खुद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जो है रिक्रूटमेंट किया था सो मॉडरेटर सपोर्टेड द ब्रिटेन एज द मैटर ऑफ ड्यूटी की अब हम इनकी कॉलोनी है तो हमको इनको सपोर्ट करना चाहिए और गांधी जी ने भी सोचा कि ठीक है अगर सपोर्ट करें तो कर देते कि शायद थोड़े से हमारे साथ नरम हो जाए एक्सट्रीमिस्ट लेड बाय बाल गंगाधर तिलक सपोर्टेड द वॉर मिस्टेक क्या सोच के कि शायद हमारी तरफ क्या हो जाएंगे सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज जो है हमको खुश होकर दे देंगे अब आप मुझे बताएं जो आप मुस्कुर आप आप बिल्कुल ही शांत हो गए मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे शांत हो गया आप ठीक है अच्छा आप, अब आप मुझे बताइए स्वराज हमने कब एडॉप्ट किया था बताइए सोचो आपके आप बताइए 1906 अब आप मुझे बताइए जो आपने इतना जबरदस्त हेयर बैंड डाला है ठीक है अब आप मुझे बताइए कि हु तो, वॉज द प्रेजिडेंट उस टाइम पे जिनके अंदर स्वराज एडॉप्ट किया गया था जी तो, तो, आईएनसी के प्रेसिडेंट आप बताइए दादा भाई नारोजी के अंडर हमने स्वराज को एडॉप्ट किया था ठीक है आप बताइए ये रॉयल ब्लू जैकेट ये वाले ये वाले हाँ बिल्कुल शर्ट सॉरी सॉरी जैकेट नहीं शर्ट आप मुझे बताइए कि स्वदेश स्वदेशी मूवमेंट हमने कब एडॉप्ट किया था जिनको पूछा जाए प्लीज हाँ आप बताइए बहुत है बुरी हालत आपकी तो इधर साथ में बैठे आप ब्लू कैप आप बताइए वेरी गुड एंड हु प्रिजाइडिंग ऑफिसर गोपाल कृष्ण गोखले एट बनारस सेशन जो है हमने उन्नीस सौ पांच में स्वदेशी मूवमेंट को एडॉप्ट किया था ठीक है so सो ये था आपका वर्ल्ड वॉर वन की कहानी और ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी लोग मार्टियर हुए थे शहीद हुए थे वर्ल्ड वॉर में उन सबके नाम कहा लिखे गए कहा लिखे गए हैं सबके नाम वॉर मेमोरियल में दैट इज इंडिया गेट इंडिया गेट में सारे जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मार्टियर्स हैं उनके नाम लिखे गए हैं सो इंडिया गेट इज ऑल्सो आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बनाया गया था ताकि उनको हम क्या करें एक तरीके की शहादत जो है वो दें ठीक है ऑल राइट चलिए अब आता है आपका होम रूल लीग अब होम रूल लीग पे जाए या पहले उसमें पहले बाकी आगे चलते फिर होम याद रखिएगा कल हमने होम रूल लीग पे वापस आना है अभी हम सीक्वेंस में चल रहे हैं तो हम होम रूल लीग पे वापस आएंगे ठीक है, चलो ठीक है पहले होम रूल लीग ही कर लेते हैं नाउ अब होम रूल लीग बेसिकली था क्या ये आपका 1916 में जो है आपका होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था आ, ये लाल जैकेट आप टोपी वाले के पीछे हां बिल्कुल बिल्कुल आप मुझे बताइए सूरत स्प्लिट कब हुआ है वेरी गुड सूरत स्प्लिट हुआ है आपका 1907 जहां जहाँ पे मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे नाउ यहां तक आते आते ना आईएनसी का जो रुतबा था ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गया था और इसी के चक्रों में आपका होम रूल लीग उसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो बढ़ने शुरू हो गई थी बहुत से ऐसे लोग थे लीडर्स थे जिन्होंने आईएनसी को छोड़कर होम रूल लीग को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था छोड़कर आई डोट मीन उन्होंने आई एनसी रिजाइन कर दिया था देवर एक्टिव लीडर्स ऑफ आई एन सी बट देवर ऑल्सो एक्टिव लीडर्स ऑफ होम रूल लीग अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो दो पोलिटिकल पार्टीज या दो दो पार्टीज का आप मेंबर बन सकते हैं आई एन सी में डल क्या कहते हैं रियल लीडरशिप थी मतलब कि ऐसा नहीं था कि अगर आप आईएनसी का पार्ट है तो आप किसी और लीग या किसी और कांग्रेस का पार्ट नहीं बन सकते सो so इसी के चलते बहुत से ऐसे लीडर्स थे जो आईएनसी का भी पार्ट थे और आपके होम रूल लीग की तरफ भी मुड़ना शुरू कर गए दो बड़े इंपॉर्टेंट नाम जो जुड़े हैं होम रूल लीग के साथ दैट इज नंबर 1

बाल गंगाधर तिलक ने भी हामी भरी कि जिस एक्सट्रीम तरीके से मैं अपने काम कर रहा था मैं वैसा तो नहीं करूंगा लेकिन आज भी मेरा एजेंडा क्या है स्वराज था स्वराज है और स्वराज रहेगा क्या बोला गया था स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शेल कि स्वराज मेरा राइट है और मैं उसको लेकर ही छोड़ूंगा ठीक है इसी के साथ आपके औरबिंदो घोष भी थे जिनको भी एक्सट्रीमिस्ट थे वो भी उनको भी जेल में डाल दिया गया और जब उन्नीस सौ सोलह सतारा के राउंड निकले थे बाहर तो उन्होंने वगैरह ये सब मोमाया छोड़ दी एंड ही वेंट टू और वहां पे उन्होंने आश्रम में एज अ आचार्य जो है वो बन गए थे दिस क्वेश्चन ऑल्सो केम इन के ऐसे कौन से लीडर थे जिन्होंने आई एनसी के बाद जो है संन्यास ले लिया था और एज अ आचार्य बन गए इट इज और घोष क्लियर तो आगे आपकी जी बाल गंगाधर तिलक बाहर नाउ थियोसॉफिकल सोसाइटी भी थी वो हम जब आपके रिफॉर्म मूवमेंट्स करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ ही इन्फ्लुएंस होके होम रूल लीग आपका बना था सो होम रूल लीग में दो जरूरी नाम है एनी बेसेंट एंड योर बाल गंगाधर तिलक नाउ होम रूल लीग बनी क्यों थी होम रूल लीग के थे जी टू एजेंडा नंबर वन वॉज स्वराज लिखा गया यहाँ पे हाँ नंबर वन वॉज स्वराज एंड नंबर टू वॉज प्रमोशन थ्रू वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस या फिर लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड एजुकेशन तो इन्होंने प्रमोट किए थे आपके वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस दैट इज योर रीजनल लैंग्वेज नाउ रीजनल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये था देखो अब जैसे कि कोई यहाँ पे आपके कोई जैसे कि अब जैसे आई एम डोगरा तो मैं उसका एग्जाम्पल देती हूँ अब हमारे घर पे कोई आए और बड़ी अंग्रेजी झाड़े ठीक है मेरी मम्मा पापा के साथ की पसंद नहीं आया उसको ठीक है ठीक <laughs> है इस तरीके की बात करें और एक तरफ एक आदमी और बोले ऐसा तो आटे गाँव दे उधर रहेंदे तो इससे क्या होता है जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है ना एकदम से आपकी कनेक्टिविटी बनना शुरू हो जाती है आई स्टिल रिमेंबर आई वोज इन अलाहाबाद मेरा एस एस बी था तो हम लोग कॉन्फ्रेंस उधर हॉल के बाहर वेट कर रहे थे बिकॉज आई वॉज नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस तो मेरे साथ एक वो लड़की थी तो बहुत टाइम लग गया था तो मैंने बोला यार क्या वेल्लो की तरह बिठाया हुआ हमको यहाँ पे तो एक लड़की उठी कहती एक्सक्यूज मी यू फ्रॉम जम्मू आई सेड कहती यार जिस तरीके से तूने वेला बोला मैंने कहा ये बंदी जम्मू की होगी और उसके बाद हम दोनों कॉन्फ्रेंस आउट हो गए और फिर इकट्ठे जो थे वो जम्मू आए सो so, मतलब कहने का मतलब ये है कि रीजन ठीक <laughs> है तो प्लीज आई एम वंस रिकमेंडेड ऑल्सो

जो थे या कितने इन्होंने खोले थे सो मोर देन हंड्रेड जो ऑफिस थे वो एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए थे जो एक तरीके की होम लीग के छोटे छोटे रीजनल जगहों पे ऑफिस थे बाल गंगाधर तिलक ऑन दी अदर हैंड उनके सिर्फ छे जो रीजनल सेंटर्स वो थे नाउ अगर पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग और एनी बेसेंट की होम रूल लीग में से कौन सी ज्यादा ऑर्गेनाइज थी तो वो थी बाल गंगाधर तिलक की और उनके अंडर सिर्फ रीजनल सेंटर्स थे नाउ हम देखेंगे कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे सो ऑफ होम रूल लीग जो है तिलक के दैट वाज एट बेलगांव कर्नाटका आप शायद किताबों में पूना भी पढ़ेंगे तो याद रखिएगा पहले पुणे था और उसके बाद शिफ्ट होकर आपका कर्नाटका बना था और अगर हम बात करें आपकी एनी का पे दिया नहीं गया है? कहां पे दिया है? हाँ ठीक है और इनका हेडक्वार्टर कहां पे था मद्रास में इनका हेडक्वार्टर था याद रखिएगा मद्रास में क्योंकि जब मैं आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ाऊंगी तो आप देखेंगे कि जब वो इंडिया वाप इंडिया आए थे तो उन्होंने मद्रास में ही अपना हेड क्वार्टर बनाया था क्यों क्योंकि एनी बेसेंट जो थी वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी आपके होम सॉरी थियोसोफिकल सोसाइटी के साथ ठीक है नाउ इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इज कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए थे वो कौन से थे पहला ए मराठा

इंग्लिश कोर्स ठीक है हाँ अंजी बोलिए वीकली जर्नल्स इस तरीके के न्यूज़पेपर्स थे जो बेसिकली बताते थे कि हमारी क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है और आगे हम कैसे काम करने वाले हैं ठीक है नाउ आपके जबी भी उन्हें होम रूल लीग बनाया और देखा कि अब इनकी जो है इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है is, Iyer, उन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल रिनाउंस कर दिया था नाउ नाइटहुड ये अपनी कहानियों की तरह मत सोचना वो बचपन में हम पढ़ते थे ना वैसी कहानियां नहीं नाइटहुड का मतलब होता था जब आपके नाम के आगे सर लग जाता है आप ने पढ़ा होगा बहुत जगहों पे सर लिखा होता है नाम के आगे सो योर नाइटहुड का टाइटल नाइटहुड का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर को भी दिया गया था और उन्होंने भी उसको अनाउंस कर दिया था क्यों किया था वो हम उन्नीस में जाकर पढ़ेंगे ठीक है जी नाउ अब 1917 1917 का सेशन इज योर लखनऊ सेशन जिसमें दोस्ती हो जाती है थी दो लोगों के बीच में अब उस दोस्ती को समझने से पहले जो आपको चीज याद रखनी है वो ये है कि एनी बेसेंट ने 1917 में दैट इज लखनऊ सॉरी नॉट लखनऊ का सेशन कोलकाता का सेशन जो है उसको प्रिजाइड किया था बेसिकली क्या था ना जब 1917 में इन्होंने सेशन रखा था कोलकाता में तो वहां पे भर भर के लोग जो है उनको इनवाइट किया गया कि आप इस सेशन में आओ तिलक के द्वारा एक स्पेशल ट्रेन भी बनाई गई थी मतलब स्टार्ट की गई थी जो यहां से सारे के सारे लोग जो है वो कोलकाता लेकर जाएंगे और फिर इसी चीज को चलते एक तरीके का ट्रेंड शुरू हो गया कि अगर कोई भी सेशन होगा तो ट्रेन में भर के लोगों को लिया जाएगा सो ये आप याद रखिएगा कि उन्नीस एनी बेसेंट कोलकाता द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने क्या किया था आईएनसी के सेशन को प्रिजाइड किया था क्लियर वेरी गुड नाउ ओ चलो लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज योर लखनऊ सेशन ठीक है लखनऊ छोटा सेशन है वो कर लेते हैं उसके बाद आप जैसी मारो ठीक है कहा पे <laughs> 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 कहां? हां जी कोलकाता सेशन ओ हाँ जी हाँ चलो चलो अब हुआ क्या उन्नीस सौ सत्रह के सेशन में दैट इज योर लखनऊ सेशन लखनऊ सेशन अपने आप में ही बड़ा हिस्टोरिक है सुनिए लखनऊ सेशन अपने आप में ही बड़ा हिस्टोरिक है क्योंकि यहाँ पे टूटे हुए दोस्त जिनकी दोस्ती खत्म हो गई थी खत्म नहीं हुई थी बट नाराज हो गए थे अब उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा और वो सब दोस्त इकट्ठे आ जाएंगे लखनऊ सेशन का पहला पॉइंट याद रखने वाला है लखनऊ में हुआ तभी लखनऊ सेशन है कब हुआ था so, 1917 में हुआ था आपका लखनऊ ए में माफी माफी कर जे, माफी कर कर दो ठीक है हाँ, 1907, 1906, right. so, में हुआ था आपका लखनऊ का सेशन, पहला प्रिजाइडिंग ऑफिसर सो इट वॉज अंबिका चरण हु बिकेम दर्स सॉरी पर्सन हु प्रिजाइडेड ओवर ऑफ लखनऊ सेकेंड पॉइंट इज कि दोस्ती जी किन के बीच में हुई नंबर वन दोस्ती हुई आपके मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में पता है हमको क्यों हुई थी इनके बीच में नाराजगी ठीक है सेकेंड दोस्ती हुई आपकी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में अब आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताना ठीक है क्या मैंने कभी भी बोला कि मुस्लिम लीग और आई के बीच में झड़प हो गई है या नाराजगी हो गई है बोला तो किस चीज की दोस्ती है यहाँ पे आ, आ, ने माना कि हम आपके सेपरेट इलेक्ट्रोलेट को इंडोस करते हैं और अब आप आगे पढ़ेंगे कि 1947 तक 47 भी नहीं 32 तक सेपरेट इलेक्ट्रोलेट जो है वो हमारे हर एक एक्ट में आएगा ही आएगा क्योंकि यहां पे आईएनसी ने बोला कि हम आपके सेपरेट इलेक्ट्रोलेट को मानते हैं और अब हमारी स्ट्रगल में आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा सो यहां से दोस्ती हो गई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में you, में आई टोल्ड यू 1906 आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना था ढाका में नाउ आप में से किसी ने पूछा नहीं बट मैं बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्हा जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है मुस्लिम लीग में एंड ऑफ कोर्स हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी हाउ uh, एवर जो आपके मोहम्मद अली जिना है उनकी लेटर ऑन आइडियोलॉजीज बदल गई थी और उनका कहीं ना कहीं योगदान भी रह चुका है आपका सेपरेट नेशन टू नेशन थ्योरी की तरफ लेकिन टू नेशन थ्योरी एज इन कोई थ्योरी नहीं थी टू नेशन थ्योरी ग्रेजुअली जो है वो इवॉल्व की थी मुस्लिम लीग का जब बना था तो उसका सिर्फ ये था कि हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमको सेपरेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए ये तो हम 1943, 46 में बात करेंगे जब आपका पाकिस्तान रेजोल्यूशन दिया जाएगा डायरेक्ट एक्शन जो लिया जाएगा ठीक है सो वो लेटर ऑन की बात है बट मोहम्मद अली जिन्हा मुस्लिम लीग के साथ 1913 में जाकर जुड़े थे उससे पहले मोहम्मद अली जिन्हा नॉट पार्ट ऑफ मुस्लिम लीग ठीक है जी कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका मोन्टेगू चेम्स या चेम्सफोर्ड रिफॉर्म दैट इज काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 एंड ऑफ कोर्स इसी काउंसिल एक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले इंट्रोड्यूस हुआ था ब्लैक एक्ट That is your rollout act. Okay. I'll see you guys tomorrow. Take care.